हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद विकी में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब दोस्तों? दोस्तों, हमारे आरबीएससी बोर्ड की राजस्थान बोर्ड की क्लास 11 की मैथ चल रही थी। चैप्टर 3 हमारा चला था त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। पीछे के वीडियो जो आपने नहीं देखे तो ऊपर आपको आइए निशान पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के सारे वीडियो आप देख डालें। और आप चैनल पर विजिट करें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए एक्सरसाइज 3.2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में हमें दिया है कोसेक्स, इसी का देख लेते हैं सॉल्यूशन हम। सबसे पहले तो कोसेक्स में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2, और अक्ष जो है वो तीसरे चतुर्थांश में है। तो अगर हम यहाँ पर चतुर्थांश बनाएं इस तरह से, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें बताया कि पहले में तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड की बात कर रहा है तो इसमें टेन और कोट तो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। तो कोस यहाँ कोस अक्ष दिया हुआ माइनस का 1/2, यहाँ पर सेक उल्टा होता है इसका, यानी कि सेक अक्ष अगर निकालें तो वो होगा 1/cos अक्ष, यानी कि 1/-1/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/-1 होगा, यानी कि -2 हो जाएगा। उसके बाद में बात करें हम साइन की, तो हमें बताया कि साइन स्क्वायर अक्ष प्लस कोस स्क्वायर अक्ष बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर अक्ष की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू क्या है कि 1-cos स्क्वायर अक्ष। तो कोस की वैल्यू हमारे पास में -1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1-1/4 घटेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 3/4 आएगी। ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन स्क्वायर अक्स की वैल्यू आ रही है, हमें वैल्यू चाहिए साइन अक्स की। दोनों तरफ रूट कर देते हैं, साइन अक्स बराबर आएगा प्लस माइनस का 3/2। यहाँ पर हमें वैल्यू जो है वो साइन की तीसरे चतुर्थांश में क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होंगे तो आंसर क्या जाएगा, -3/2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन अक्स, क्लियर है। ये यहाँ पर साइन की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, सेक की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही आ चुकी है, इतना सेक -2। अब हम बात करते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कोसेक अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin x, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2/√3, वो भी माइनस का, क्योंकि कोसेक भी यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में माइनस में होगा। अब बात करते हैं टेन और कोट की, टेन और कोट का सोल्यूशन हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर टेन की बात करें तो टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये हमें बताया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -√3/2, -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2, दो से दो कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आएगी √3/1, यानी कि √3। तो टेन वैसे ही पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो कोट की बात करें तो कोट इसका उल्टा होता है, यानी कि कोट होता है 1/tan x, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3, ये हो जाएगा कोट। सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, 5 बच्चे हुए जितने त्रिकोणमितीय फलन है सभी की वैल्यू आ चुकी है, सेक हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें सेकंड नंबर की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कोट अक्ष बराबर दिया 3/4 अक्ष जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ पर कोट पॉजिटिव पहले से दिया हुआ है तो टेन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर में कोट बराबर दिया है, कोट अक्ष बराबर 3/4, तो हम यहाँ पर टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन एक्स बराबर होता है हमें बताया 1/cot x, तो कोट एक्स होता है तो ये हो जाएगी 4/3, क्लियर है। उसके बाद में कोट एक्स हमारे पास में है, टेन एक्स हमारे पास में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स से सेक एक्स निकाल लेते हैं, कोट एक्स से कोसेक एक्स निकाल लेते हैं। तो हमें बताया कि कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1+cot² x होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर 1+cot² कोट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कोट की वैल्यू है 3/4, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वैल्यू 25/16। किसकी वैल्यू आ रही है, ये कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अक्ष की वैल्यू आ रही है, हमें वैल्यू चाहिए कोसेक अक्ष की। तो कोसेक अक्ष की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो कोसेक अक्ष हो जाएगा +-5/4। +-5/4 होने का मतलब ये है कि तीसरे चतुर्थांश में यहाँ पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, किसकी, कोसेक अक्ष की। तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो कोसेक अक्ष बराबर क्या होगा, कोसेक अक्ष बराबर होगा -5/4। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो साइन अक्ष बराबर क्या हो जाएगा,
वन अपॉन कोसेक एक्स होता है, तो वन अपॉन कोसेक एक्स यानी कि 4/5, वो भी नेगेटिव माइनस का। अब बताइए कौन सी वैल्यू रह गई, सेक एक्स रह गया, तो सेक एक्स वन अपॉन कोसेक होता है। यहाँ से साइन से हम पहले कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस का 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1 के साथ में, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स की 1 - 16/25, तो वापस 9/25 वैल्यू आएगी। 9/25 आई तो कोस स्क्वायर एक्स की आ रही है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, कोस एक्स की, तो वो आएगी +-3/5। हमें वैल्यू चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव चाहिए, तो यहाँ पर कोस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एक्स तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव चाहिए, तो 3 - 3/5 हो जाएगा। सेक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosx हो जाएगा, तो 1/cosx यानी कि 1 - 3/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी -5/3। सेक भी यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में नेगेटिव ही होगा क्योंकि कोस नेगेटिव है, तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी सारी की सारी। क्लियर है, फर्स्ट हमने यहाँ से टेन की निकाली है, सेकेंड यहाँ कोसेक की निकाली है, फिर साइन की निकाली है, उसके बाद में कोस की निकाली है, फिर सेक की निकाली है। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है। इस बार चतुर्थ चतुर्थांश दिया हमें, चौथा पार्ट जो है वो दिया है, देखें इसका आंसर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चतुर्थांश की बात करें तो चौथे में जो होता है वो पॉजिटिव कौन होता है, सेक पॉजिटिव होता है और कोस पॉजिटिव होता है। क्लियर है, सेक एक्स और कोस एक्स पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर सेक एक्स की हमें वैल्यू दी हुई है 13/5। क्लियर है, 13/5 दी हुई है, तो यहाँ से हम कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कोस इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 1/ सेक एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 5/13। अब सेक एक्स हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, 10 की वैल्यू, क्योंकि 1 + 10² बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 + 10² जो होता है वो उसके बराबर में सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का कर देंगे पक्षांतर में, तो 10² यहाँ से क्या हो जाएगा, 10² हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो सेक की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, सेक की वैल्यू 13/5 है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 13² हो जाएगा 169 और 5² हो जाएगा 25 माइनस का 1। 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेंगे, तो 144/25 किसकी वैल्यू आ रही है, 10² की। हमें किसकी चाहिए, 10x की वैल्यू चाहिए, प्लस माइनस का 12/5 हो जाएगा 5। रूट करेंगे दोनों तरफ, 144 का रूट होता है 12। अब तीसरे चौथे चतुर्थांश में 10 होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, 10x बराबर हो जाएगा माइनस का 12/5। आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 10x चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव है, 10x चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव है, चतुर्थांश में नेगेटिव है, सभी में लिख सकते हैं यह बात, जहाँ पर नेगेटिव होगा चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है। क्लियर है, 10x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप cot x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर लेते हैं, तो cot x बराबर हो जाएगा 1/10x, 1/10x यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना, 10x की वैल्यू 12/5 है माइनस की, तो ये 5/12 हो जाएगा माइनस का। क्लियर है, अब बताइए कौन कौन सी वैल्यू रह गई, यहाँ पर हमने cos निकाल लिया, sec 10 निकाल लिया, sec हमारे पास में पहले से दिया हुआ था, और 10 हमने निकाल लिया, cot हमने निकाल लिया, तो sin और cosec हमारे पास में रह जाते हैं, तो साइन की वैल्यू हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 - cos² होता है। क्लियर है, तो 1 - cos की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5/13 है, तो 25/13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा, माफ कीजिए, 169 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 169 में से 25 जाएंगे, 144/169 बचेंगे, तो यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी +-12/13, और साइन एक्स की वैल्यू -12/13 है, तो चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू हमें लेनी है, तो माइनस का 12/13। क्लियर है, ध्यान रखिए कोस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सेक जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ये सारे तो पहले से पॉजिटिव थे, तो अब सारे के सारे नेगेटिव होने वाले हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं कोसेक की, साइन हमारे पास में आ चुका है, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, तो माइनस का 3/12 हो जाएगा। क्लियर है, तो कोसेक हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, और सेक और कोस हमारे पास में पहले से आ चुके हैं, सारे के सारे आ चुके हैं, कंप्लीट हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4।
देखिए आगे क्या कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए, इन सभी के मान ज्ञात करने हैं 4, 5, 6, 7 के। तो सबसे पहले 4 नंबर की बात करते हैं, साइन हमें दिया हुआ है 765, तो 765 दिया हुआ है, तो इसके 360 के हिसाब से टुकड़े करते हैं, 360 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 में 720 होते हैं, यानी कि 2 × 360 और 720 फिर बचे 45 हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि साइन जो होता है वो साइन 2n π प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा होती है, ध्यान रखें 2π अगर आ गया तो, और मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या है तो प्लस में थीटा है तो साइन थीटा ही होगा। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू यहाँ पर 360 के बराबर होती है, तो साइन 45 वैल्यू हो जाएगी हमारी, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/√2। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 10 × 19π/3, 10 × 19π/3 हमें 19 में भाग देंगे 3 का, सबसे पहले तो वो काम हमें करना है, तो भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 3 = 18 होते हैं, तो 6π अलग हो जाएगा और प्लस π/3 अलग हो जाएगा, तो 6π जो है वो 2n π का मल्टीपल है, तो 10 × 2n π प्लस थीटा भी क्या होता है, वो भी 10 θ ही होता है, ध्यान रखें वो भी 10 θ क्योंकि रिपीट हो जाता है, यहाँ पर 0 से शुरू हुआ वापस 2π पे आ गया, तो यहाँ वहाँ से वापस रिपीट वैल्यू हो जाती है, तो ये वापस प्लस पहले चतुर्थांश में आ जाएगी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो 10 θ ही आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 10π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 होता है √3, तो वैल्यू हो जाएगी √3, क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, साइन माइनस का 11π/3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साइन माइनस 11π/3 हमें दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करें, माइनस आ जाएगा यहाँ पर बाहर साइन में, ये हो जाएगा माइनस का साइन 11π/3, क्लियर है, और 11π/3 को हम 12π माइनस का पाई लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 12π माइनस का पाई और अपॉन 3 में है, यहाँ पर भाग दे देते हैं 3 का दोनों में, तो साइन ये हो जाएगी साइन 12 में भाग देंगे तो 4π होगा और माइनस का π/3 हो जाएगा, तो 4π यानी कि जो वैल्यू जहाँ 0 से शुरू होती है वहाँ पर वापस आ गई, फिर नेगेटिव में π/3 चला गया, तो इसमें तो चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा ये, तो चौथे चतुर्थांश में साइन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पहले से तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है ही, क्लियर है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फिर माइनस 1 और साइन माइनस फिर माइनस और साइन π/3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन π/3 की वैल्यू हमें देनी है वो कितनी होती है, π/3 60 डिग्री होता है, तो √3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 7 नंबर में देखें तो 7 नंबर में कह रहा है कोट माइनस का 15π/4, तो कोट में वैल्यू नेगेटिव 12 आ जाएगा, कोट में भी माइनस जो होता है वो 12 आ जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का कोट 15π/4, और यहाँ पर हम 15π को लिख सकते हैं क्या, 16π-π, तो कोट 16π-π लिख देते हैं, ये आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं, सीधा डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं आप 4 का इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोट, आप देखिए भाग दीजिए 4 का दोनों में, तो ये तो जाएगा 4π-π/4, तो 4π-π/4 फिर से चौथे चतुर्थांश में होगा, 4π यहाँ पर आएगा और नेगेटिव में पीछे -π/4 है, तो -π/4 नेगेटिव में आएगा, तो कोट चौथे में नेगेटिव ही होता है, फिर से नेगेटिव लग जाएगा, इसके माइनस लग जाएगा फिर से, और ये हो जाएगा कोट π/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर हमारी प्रश्न वाला 3.2 कंप्लीट हो जाती है, तो पीछे की वीडियोज आपने नहीं देखे तो मैं फिर से बोलूंगा, ऊपर आई इंसान भी क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख डालें, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, और चैनल में जो भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है तब भी कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।